दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेटेलाइट की दुनिया में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्सैट 58 ईस्ट जो अपना 2 फीट डिश पर रिसीव कर लिया है, क्योंकि सिग्नल थोड़े से कम है, 40-45% सिग्नल आ रहे हैं। वो इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मौसम है, थोड़ा सा बादल हो रहे हैं। दिल्ली में कई सालों बाद अच्छी बारिश हुई है, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे इसमें 72% सिग्नल आ चुके हैं। थोड़े बादल हटते 72 हो जाते हैं, अदरवाइज 40-45 ऐसे आ रहे हैं। तो प्रॉपर मौसम साफ रहेगा तो दोस्तों 70-72% सिग्नल आ रहे हैं। उसमें रशियन चैनल बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं और काफ़ी बड़ी सेटेलाइट है। जैसे अपनी एसिड ईस्ट है, उस पर कुछ ही रशियन चैनल है, इस पर बहुत सारे रशियन चैनल है दोस्तों। और ये है कि हफ्ते में 2-3 दिन ये एफ टी ए भी हो जाते हैं। आई होप कि खुशी है कि शायद एफ टी ए चल रहे हो अभी, तो मैं उसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। कार्सैट रशियन सेटेलाइट है, बहुत अच्छी सेटेलाइट है। इसमें रशियन चैनल काफ़ी पड़े हैं, 250-300 चैनल्स पड़े हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी फिट जिसके पास 2 फीट डिश है वो रिसीव कर सकता है, और ये किस्मत की बात है कि जिस टाइम एफ टी चल रहा है आप इन्जॉय कर सकते हो। रेन टी वी वगैरह कई आते हैं, वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा आपको टी वी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। पूरी जो आपको दिखाऊंगा, पूरी जो है यहाँ तक मैं आपको स्कैनिंग रिपोर्ट तक दिखा दूंगा। उसके बाद एक चैनल दोस्तों दिखाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस चक्कर में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन से चैनल इसमें चल रहे हैं या कौन से बंद पड़े हैं, वो सारा मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि वीडियो तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, फिर डालने में कम से 1.5 से 2 दिन खा जाता है। काफ़ी बड़ी एमबी हो जाती है, एचडी वीडियो बनानी पड़ती है, डिजिटल ज़माना है। तो सारी बातों को ख़त्म करते हम चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। 58 ईस्ट जो कार्ड सेट है उसमें मैं आपको एलएनबी पोजिशन दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आप देखेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको देसी भाषा में बोल देते हैं 5 बजे के आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं, मैं इसमें आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कितना रहेगा अपना। ये देखेंगे दोस्तों, ये है अपना 48 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों मैं अभी सिग्नल रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, चलते हैं हम सिग्नल की रिपोर्ट के पास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 72% सिग्नल मेरे इसमें आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी सेटेलाइट है। जो लोगों के सोचते हैं कि चलेगा नहीं, इसके बीम हम अगर चेक करेंगे कार सेट को तो ऐसा लगता है कि अपना ऊपर से ऊपर ही निकल के जा रहे हैं, जैसे कि 16 ईस्ट बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना, सेटेलाइट की दुनिया है दोस्तों, कौन से सिग्नल कहाँ आ रहे हैं किसी को नहीं पता चलता है ना दोस्तों। तो इसलिए जैसे कि अपना रेन टी वी है, मैं 90 सेंटीमीटर में ट्रैकिंग कर लेता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो दोबारा मैं जो है बिल्कुल आपको दिखा दूंगा कि 90 ईस्ट में कैसे सेटिंग होती है अपना रेन टीवी। तो दोस्तों सिग्नल क्वालिटी देख लीजिए दोस्तों इसकी। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो इसकी हाई टीपी है 10762 हॉरिजॉन्टल 30,000, 10762 हॉरिजॉन्टल 30,000। तो दोस्तों अगर इसको लगाने ईजिली काफ़ी है, अपन या सेट लगा तो या सेट की एलएनबी को उसी पोजिशन पर रहने दीजिए दोस्तों। और जो है डिश को, अगर डिश के पीछे है तो राइट जाइए, करीब 1 इंच आपको राइट जाना पड़ेगा और हल्का सा जो है 1/2 इंच नीचे की साइड में जाना पड़ेगा, वहीं आपको इसके सिग्नल मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके आप सिग्नल देख लेते हैं दोस्तों। मैं स्कैनिंग रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ कितने चले इसमें स्कैन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं टीवी सेटअप बॉक्स के पास। तो अब हम आ गए टीवी स्क्रीन पर, देखते अपने कितने चले इसमें स्कैन हुए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 130 चैनल उसमें मेरे हिसाब से आ ही जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें इतने चैनल उतर गए थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 133 के आसपास चैनल आएंगे, और आप ये रेडियो लिस्ट में देखेंगे क्योंकि एक टीपी है 45,000 करके जो है वो लास्ट में भी आपके सामने आएगी वर्टिकल में। तो दोस्तों आप साइड में देखेंगे, रेडियो लिस्ट में चैनल उतरेंगे अपना, इधर नहीं देखेंगे। तो ये जो कुछ चैनल्स है दोस्तों जो अपना
DVS 2 से ऊपर टेक्नोलॉजी है जो फिर 4K बोलते देखेंगे दोस्तों, तो इन सब का एंजॉय आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास 4K बॉक्स होगा। तो दोस्तों 132 मेरे चैनल में स्कैन हुए हैं। तो दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि दोस्तों हमारे कितने चैनल्स में काम के हैं और कितने चैनल काम के नहीं हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों जैसा भी मेरा चैनल लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको जो जो जिस जिस पर्पज़ पे वीडियो चाहिए दोस्तों वो मेरे को आप बता सकते हैं कि हमें इस पर्पज़ पे चाहिए, हमें LME के बारे में चाहिए, हमें जिस बारे में भी चाहिए। तो दोस्तों कई चीज़ ऐसी होती है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।